कोरोना संकट के बीच कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा में मारा गया हिजबुल का चीफ कमांडर रियाज नायकू। सुरक्षा बलों ने 40 किलो विस्फोटक से उड़ाया रियाज नायकू का घर। पिछले 8 साल से थी तलाश। ए प्लस प्लस कैटेगरी का आतंकी था रियाज नायकू, सुरक्षा एजेंसियों के हिटलिस्ट में सबसे ऊपर। जाकिर मूसा के बाद बना था कमांडर। कल से रियाज नायकू के गांव बेगपुर में सर्च ऑपरेशन चला रही थी सुरक्षा एजेंसी। रियाज नायकू के साथ एक और आतंकी ढेर। रियाज नायकू के मारे जाने की खबर के बाद पुलवामा में हंगामा। सुरक्षा एजेंसियों पर पथराव की खबरें। 12 लाख का इनामी आतंकवादी था रियाज नायकू। सूत्रों के मुताबिक बीमार मां से मिलने गांव आया था हिजबुल का चीफ। आतंकी बनने से पहले गणित का टीचर था रियाज नायकू। सोशल मीडिया पर अक्सर जारी किया करता था धमकी भरे वीडियो। पुलवामा के चर्चिल में भी सुरक्षा एजेंसियों से आतंकियों की मुठभेड़। मारे गए 2 दहशतगर्द। गाजीपुर पहुंचा शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर। आखिरी विदाई में उमड़ा लोगों का हुजूम। कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए थे अश्विनी कुमार यादव। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। बिहार के गया पहुंचा हंदवाड़ा में शहीद जवान संतोष कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर। मौलाना साद पर कसा क्राइम ब्रांच का शिकंजा। तबलीगी जमात के चीफ के बेटे सईद से 2 घंटे तक पूछताछ। पुलिस ने मौलाना साद के बेटे से मांगी मरकज आने जाने वालों की जानकारी। व्यवस्था देखने वाले 20 लोगों की लिस्ट मुहैया कराने के निर्देश। क्राइम ब्रांच ने हाई प्रोफाइल विदेशियों को लेकर भी दागे सवाल। चार्टर्ड प्लेन से भी आया करते थे कुछ जमाती। पुलिस ने बेटे सईद से मांगी मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में जल्द कोरोना टेस्ट करवाने की ताकीद। पूरा हुआ मरकज से निकाले गए करीब 4,000 जमातियों का क्वारंटीन पीरियड। दिल्ली सरकार ने दिए घर भेजने के आदेश। क्वारंटीन पूरा करने वाले जमातियों पर सख्ती के निर्देश। जिन लोगों पर दर्ज है मुकदमे उन पर हो सकती है कार्रवाई। अलीगढ़ में जेल भेजे गए श्रीलंका से आए जमाती। वीजा उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। जौनपुर के अस्थायी जेल में रखे गए जमाती की मौत। बांग्लादेशी जमातियों को छिपाने के आरोप में 19 अप्रैल को हुई थी गिरफ्तारी। गृह मंत्रालय के कोरोना कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना। सीआरपीएफ के 2 जवानों में वायरस की पुष्टि। देश में कोरोना से अब तक 1,694 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में 111 लोगों की जान गई। 14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,500 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में सामने आए 984 मामले। अब तक 617 की मौत। गुजरात में कोरोना के 6,200 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 441 नए मामले। अब तक 368 लोगों की मौत। महाराष्ट्र गुजरात में कोरोना के ग्राफ ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी। कहा राज्य सरकारों के साथ मिलकर कर रहे काम। वो महाराष्ट्र की स्थिति है और गुजरात की स्थिति है उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा चिंता है ज़्यादा। लेकिन भारत सरकार का ये प्रयास है कि हम जितनी भी सहायता स्टेट गवर्नमेंट्स की कर सकते हैं। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। कहा ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना। कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। दिल्ली में 5,100 के ऊपर पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 206 नए मामले। अब तक 64 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। अब 11 दिन में 2 गुने हो रहे हैं मामले। पिछले हफ्ते 13 दिन में डबल हो रहे थे केस। पहले ये 13 था, अभी 11 पर है। और इसका रीज़न ये है कि काफ़ी सारे पेंडिंग रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं पिछले 3-4 दिन में। तो हजारों के हिसाब से पेंडिंग रिपोर्ट्स के रिजल्ट आए। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक। मोदी सरकार से पूछा 17 मई के बाद का रोड मैप। ये जबरन वसूली का पैसा कहां गया और जनता को राहत क्यों नहीं मिली? पंजाब और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा अपने हिसाब से तय किया जा रहा जोन।
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए मदद की मांग। तेल की बढ़ती कीमत को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा आर्थिक देशद्रोह है, 130 करोड़ जनता को जवाब दे प्रधानमंत्री। मुंबई में सभी लाइसेंसधारी डॉक्टर्स के लिए जरूरी की गई 15 दिन की कोरोना ड्यूटी, पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद में आज रात 12 बजे से 15 मई की सुबह तक बंद रहेंगी सभी दुकानें, सिर्फ दूध और दवा खरीदने की छूट, नगर निगम का फैसला। दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे सारे स्कूल। पीपी मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया भारत, एक महीने में तैयार की गई है 170,000 सेफ्टी किट। पंजाब में कल से खुलेंगी शराब की दुकानें, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी, 2 लीटर तक ही होगी शराब की होम डिलीवरी। दिल्ली के बाद यूपी में भी महंगी हुई शराब, 20 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। गाजियाबाद में बंद की गई शराब की दुकानें, दुकानदारों ने दी स्टॉक खत्म होने की दलील। वाराणसी की मंडियों में उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लॉकडाउन 3 के तीसरे दिन भी दिखी भारी भीड़। क्वारंटीन सेंटर भेजे जा रहे हैं बिहार में दूसरे राज्यों से आ रहे मजदूर, जरूरत के सामानों के साथ दिया जा रहा वेलकम किट। मसूरी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बीजेपी विधायक के राशन वितरण कार्यक्रम के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। सवाई माधोपुर में मालगाड़ी में धरा गया एक प्रेमी जोड़ा, चोरी छिपे आगरा से नासिक के लिए पकड़ी थी ट्रेन। अलवर के अस्पताल में जोरदार हंगामा, लापरवाही से मॉर्चरी में रखी लाश बदलने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। बिना इजाजत लिए इंदौर के नृसिंह मंदिर में आरती करना पड़ा भारी, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना में डॉक्टर दंपति और नौकरानी के साथ जमकर मारपीट, पड़ोसियों पर आरोप। हरदोई में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड और भतीजे की सड़क हादसे में मौत, अज्ञात वाहन ने कुचला। नोएडा में आग का गोला बनी चलती कार, धू धू कर जली टाटा एक्सयूवी, सवार लोगों ने सड़क पर कूदकर बचाई जान। लॉकडाउन में हरिद्वार में फंसे पश्चिम बंगाल के यात्रियों का विरोध प्रदर्शन, घर वापस भेजने की मांग को लेकर हंगामा। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर भारी जाम, एक गाड़ी के खराब होने की वजह से घंटों परेशान होते रहे लोग। कोलकाता में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में भरा पानी। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश और ओलों की बरसात, सड़कों पर दिखा बाढ़ जैसा नजारा। नेपाल के काठमांडू में लॉकडाउन का 44वां दिन, भारी बारिश के बीच सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया, एक डॉलर की कीमत 75.72 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हुई क्रूड ऑयल की कीमतें, लेकिन टैक्स में भारी बढ़ोतरी, मार्च के 97% के मुकाबले मई में 226% हुआ टैक्स। अप्रैल में पेट्रोल की मांग में 61% कमी, 57% घटी डीजल की बिक्री। 232 अंक की बढ़ोतरी के साथ 31,685 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 65 पॉइंट्स बढ़कर 9,270 पर बंद। अप्रैल में लॉकडाउन के बीच भारत का सर्विसेज सेक्टर ऑन द मूव गिरा, अप्रैल के 49.3 के मुकाबले 5.4 रहा अप्रैल में सर्विसेज पीएमआई। नए डिजिटल कानूनों की तैयारी से रोल्स रॉयस ने मिलाई ताल, अपनी डिजिटल अकेडमी में फ्री ट्रेनिंग का प्रस्ताव। लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, 162 रुपए सस्ता हुआ बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर, 2.5 महीने में 277 रुपए की कमी। अब 30 सितंबर तक जमा कर सकेंगे जीएसटी, लॉकडाउन के चलते आगे बढ़ाई गई तारीख। म्यूचुअल फंड कंपनियों को सेबी को देनी होगी सभी अनलिस्टेड बॉन्ड्स में होल्डिंग्स की जानकारी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संगठन का असर। शेयर बाजारों में चौतरफा गिरावट का प्रमोटर्स और एचएनआईस ने उठाया फायदा, मार्च तिमाही में जमकर शेयर खरीदे, दोगुनी से ज्यादा हुई हिस्सेदारी। लॉकडाउन में मॉडर्न बने जन औषधि केंद्र, व्हाट्सएप और ईमेल से भी ले रहे हैं ऑर्डर। सस्ते कर दर बंपर डिस्काउंट के बीच अप्रैल में 70% घटा ऑटो रजिस्ट्रेशन, लॉकडाउन के बाद कारों की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद। अमेरिकी कंपनियों पर H1B का इस्तेमाल करके प्रवासी कर्मचारियों को कम वेतन देने का आरोप, फेसबुक गूगल एप्पल पर लगे इल्जाम। अमेरिका में 12 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 71,000 लोग गंवा चुके हैं जान। लॉकडाउन हटते ही अमेरिका में न्यूयॉर्क के बाहर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, हर दिन सामने आ रहे हैं 20,000 नए केस। न्यूयॉर्क से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, अंतिम संस्कार के लिए ट्रकों में भरकर लाई जा रही लाश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया कोरोना से जंग जीत लेने का दावा, कहा अब तेजी से फ्लैट हो रहा ग्राफ, अर्थव्यवस्था संभालने का है वक्त।
शर्तों के साथ खोला गया अमेरिका का कुछ समुद्री बीच। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस वालों की भी लगी ड्यूटी। पिछले एक महीने में पहली बार लॉन्ग टूर पर निकले ट्रंप, बिना मास्क लगाए एरिजोना में मास्क फैक्ट्री का किया मुआयना। एरिजोना के गवर्नर को देखते हुए ट्रंप ने बढ़ाया हाथ, लेकिन मिलाने से पहले ही वापस खींचा। कैलिफोर्निया के अस्पताल में 45 दिन बाद मरीज को मिली छुट्टी, तो दी गई शानदार विदाई। ऑस्ट्रेलिया ने जताई कोरोना के वैक्सीन बाजार से फैलने की संभावना, कहा स्वतंत्र जांच हुई तो सामने आएगा पूरा सच। कोरोना पॉजिटिव पाए गए न्यूजर्सी में बेलविले के मेयर, नतीजों के बाद अजीबोगरीब दावा, कहा नवंबर में हुए थे संक्रमण। 1 मई से छुट्टियों की शुरुआत होते ही चीन में घूमने निकले लोग, करीब 10 करोड़ सैलानियों ने किया एक से दूसरे शहर का सफर। कोरोना से जंग के लिए मेडिकल सामान लेकर जा रहा प्लेन, अफ्रीकी विदेश, सोमालिया में क्रैश, 6 लोगों की मौत। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।